मैं तो ये कहूंगा कि हर बिजनेस में मार्जिन होता है। आप लोग अगर ऊपर ही ऊपर देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। Hi everyone, I'm Amol Gupta and I want to welcome you to Next Level Success. Like many of you, I'm a young entrepreneur with one goal, to take my business to the next level, to make it a global enterprise. In this interview series, I speak with business icons around the world and ask them how they grew their businesses. What have they found to be the secret to success that somebody like me, 25 years younger than them, can start to apply in my own business? क्विट नहीं करना, सबको बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को, और रश है हर चीज की, जल्दी पाने की गड़बड़ है, जल्दी करना है कुछ, तभी चाहे शॉर्टकट करना है कुछ करना है, नहीं हम पहुंचेंगे जरूर, प्रोवाइडेड यू बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन, यू बिल्ड अ टीम, यू वर्क ऑन अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलवेज, तो हम जरूर पहुंचेंगे। लाइफ में गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे मुझे लगता है कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करें, बिजनेस के अंदर आप दोनों लॉस प्रॉफिट भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस का भगवान एक ही है, आपका क्लाइंट, तो ये हमारा भगवान यदि खुश हो गया तो ये भगवान तो आपको कहते ना मन्नत मांगते हैं, पर्चा देता है, पता नहीं कब देता है, ये तो शाम की शाम देखे चला जाता है। सबसे पहला कस्टमर है, कस्टमर के लिए कोई नुकसान होता है तो कंपनी से लड़ना पड़े तो लड़ो, ट्रस्ट करो, कोई बेईमानी नहीं करेगा। एक चीज मैंने देखी कि ट्रस्ट करने से नुकसान कम होता है, ट्रस्ट ना करने से नुकसान ज्यादा होता है। अगर जो हमने टाइम बोल दिया, अगर उस टाइम पे देते थे तो हमारी तरफ से वो लेट कंस्ट्रक्शन, जनरली बिफोर टाइम होता था तो हमारे हिसाब से क्यों टाइम पे दिया है। अपना जो रिलेशन है स्टाफ के साथ में, वो दयालुता का भी रहना चाहिए और डिसिप्लिन का भी, सख्त भी रहना चाहिए। Join me as we merge their wisdom with modern day technology and take our own businesses to the next level. Today we're speaking with Shri Desh Bandhu Gupta ji. He's the managing director of VP International Private Limited. Thank you so much Mr. Gupta, आज हमें अपना समय देने के लिए। Mr. Gupta, आप एक successful businessman हो। जब आप बड़े हो रहे थे तो वो कौन सी बातें थी जो आपने सीखी जो कि इस जर्नी में आपके बहुत काम आई? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरे को विल पावर मिलती थी मेरे फादर से मिलती थी, वो एक ही बात कहते थे, अगर आप नुकसान नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिट और चीज का लाभ वो लग जाएगा तो आप झटके सहन नहीं कर पाएंगे, तो इससे मत घबराओ, डिसीजन लेना सीखो, डिसीजन आप लेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। आज अगर आपको एक यंग बिजनेसमैन को बिजनेस की कोई एक बात बतानी हो तो आप उसको क्या बताएंगे? मैं तो ये कहूंगा कि हर बिजनेस में मार्जिन होता है। आप लोग अगर ऊपर ही ऊपर देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, और डैप के लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। नंबर आपको असेट्स, असेट्स मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ कस्टमर्स, अगर आपके नहीं बढ़ेंगे, आपके पास खपत नहीं होगी, खपत नहीं होगी तो आपका पीछे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैन्युफैक्चर को आप दबा नहीं पाएंगे, उससे लेस ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, उतनी है, तो उस सब के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मुझे उधार भी देना है, मुझे व्यापार भी बढ़ाना है, मुझे वो भी करना है, वो सब चीज़ें। सही इंसान को पहचानना एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल है। सामने वाले में आप क्या देखते हो, चाहे उसके साथ बिजनेस करना है या उसे हायर करना है, जिससे आप डिसीजन ले पाते हो कि इसके साथ काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ, जब मैं पहले जब जाते थे तो हम लोग उनसे मिलने जाते थे, मिलने के बाद जो है उसको जजमेंट करते थे, उसका कैसे काम करता है, कितने दिन ये करता है, वो सारा जजमेंट करते थे, और जजमेंट हमारे को कर करके आया। लेकिन जब बेटे का जो आया, ये सब खत्म हो गया, उसने पैमाने बना दिए,
पहला पैमाना ये कि भाई उसकी बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट आएगा जिसमें हमें पता लगता है कि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है, हम अपने 10 कस्टमर से रिपोर्ट्स लेंगे कि ये कस्टमर कैसा है। तीसरा पॉइंट, जितने का भी अकाउंट हम खोलेंगे उतने के सिक्योरिटी चेक हम ले लेंगे इनका। अगर कभी भी पेमेंट 120 दिन के बाद जाएगी तो हम ये चेक बैंक में डाल देंगे। तो उसने सारा लिखित पैमाने बना दिए। जब भैया ने ये लिखित पैमाने बनाए तो एकदम से बिजनेस में चेंज आया होगा। जब एक 30 साल पुराने ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर एकदम से इतना चेंज आता है तो सब लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि वो चेंज बिजनेस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। जब पहले मैंने क्लासेस ली थी तो उसने बड़े अच्छे पॉइंट बताए थे। उसने ये भी कहा था आप अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, जो पहले उसने लिया था, तो मैं गया था साथ में। तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा योगदान सक्सेस का आपके फादर या ब्रदर पर होगा। कहते वो कैसे? कहते अगर मान लीजिए कोई कस्टमर खराब होगा तो आपके फादर, अरे ये क्या कर दिया तूने, मेरे इतने 30 साल की मेहनत खराब कर दी तूने, मेरी वो कर दी तूने, वो कर दी, तो वही ट्रैक आ जाएगा वापिस, जो तुम मोल्ड करना चाहते थे वही ट्रैक आ जाएगा। तो मैंने उसी दिन से, मैंने आज तक उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं है मेरा। कोई रूल्स बनाओ, कोई डिसीजन करो, कोई कुछ करो, मैं नहीं पूछता। अगर मैंने उससे एक बात और कह रखी है, कभी मेरे से सलाह चाहिए तो ले लो मुफ्त की, लागू करो या ना करो वो भी तुम्हारी मर्जी है, आपका हाथ रखने के लिए हम बैठे। हम कहते हैं भाई रिस्क जो भी तेरा नुकसान होगा उसके हम हैं, और प्रॉफिट है वो तू कर रख ले अपने पास। आपका पूरा परिवार एक साथ बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, एक फैमिली बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने का क्या राज है? एक अच्छे बिजनेसमैन के सक्सेस आदमी से मिलता जरूर हूँ। जैसे आप ये इंटरव्यू लेते हैं ना, तो मैं उनके पास चला जाता हूँ या वो मेरे पास आ जाते हैं, हम बैठकर बातचीत करते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने का। अगर आपने उसको करना है तो एक ही आदमी को कमांडर बनाओ। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता, आज मैंने कई बातें इस डिस्कशन से सीखी हैं। पहली बात डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपने बताया कि नुकसान के डर से हमें डिसीजंस को लेना बंद नहीं करना। अगर हम कंटिन्यूअसली अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे तो इन द एंड वील बी वेरी सक्सेसफुल। दूसरी बात, एवरी बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। आपने बताया कि जब हम डेप्थ में बिजनेस को इवेल्यूएट करते हैं तो कई चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो सुपरफिशियल लेवल पर हम मिस कर देते हैं, इसलिए डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, किसी भी फैमिली बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि किसी भी डिपार्टमेंट या वर्टिकल या बिजनेस का एक ही कमांडर इन चीफ है, तभी फैमिली बिजनेस सक्सेसफुली चल सकता है। तो ये कुछ बातें हैं मिस्टर गुप्ता जो आज मैंने आपसे सीखी हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना समय देने के लिए। To our audience, we'll be back with a new business leader on another episode of Next Level Success. Stay tuned.